अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लेटेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो, आपको इंशाल्लाह अपडेट मिलती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुत्तहिदा अरब इमारात के इनकार के बाद एक और मुल्क की पाकिस्तान को उधार पर तेल और गैस फराहम करने की पेशकश कर दी है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान अज़रबैजान के सफीर ने पाकिस्तान को ताखीरी अदायगियों पर तेल और गैस सप्लाई करने की पेशकश की है। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से उधार पर पाकिस्तान को तेल फराहम करने से इनकार के बाद अब एक दूसरे मुल्क ने पाकिस्तान को ऐसी पेशकश की है। अज़रबैजान ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो ताखीरी अदायगियों पर तेल और गैस फराहम करने के लिए तैयार है। इस बात का ऐलान अज़रबैजान के सफीर ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। अज़रबैजान के सफीर की जानिब से ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तान को कितनी मालियत का उधार तेल और गैस फराहम किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान जल्द मुआमलात आए पाए जाने के इम्कान हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में फ्रांस से आए हुए 40 रुकनी तिजारती वफा से गुफ्तगु करते हुए विफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर ने कहा है कि वजारत पेट्रोलियम पाकिस्तान की 75% एनर्जी सप्लाई की जरूरियात को पूरा करने में मसरूफ अमल है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि मुल्क की तवानाई में बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए काबिल भरोसा और मुकाबलतन सस्ती तवानाई फराहम की जाए। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।